आप सभी लोगों को इस गणतंत्र दिवस पर मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सुजीत, आप देख रहे हैं विवेक ज्ञान टीवी। अभी तक 40 से ज्यादा लोगों का मौत हो चुका है कोरोना वायरस से और 1300 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड है चाइना में। चाइना ने अभी तक अपने 18 शहरों का यातायात व्यवस्था को बंद कर दिया है। इन सभी लोगों का मरने का रिपोर्ट चाइना से ही है और यह वायरस तेजी से फैलने का आशंका है चाइनीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, क्योंकि चाइना में नया साल शुरू होने वाला है चाइनीज कैलेंडर के मुताबिक और लोग छुट्टियां मनाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले हैं। इस वायरस का पता चला था WHO को दिसंबर 2019 के अंत तक। यह वायरस सेंट्रल चाइना का वुहान शहर से स्प्रेड हुआ था और अभी चाइना के दूसरे शहरों पर जा पहुंचा है, इंक्लूडिंग बीजिंग, शंघाई और दूसरे देश USA, थाईलैंड, साउथ कोरिया और जापान में भी यह वायरस जाने का आशंका है। आखिर क्या है कोरोना वायरस? ये एक प्रकार का कॉमन वायरस है जिससे इंसान को नाक बहना, खांसी होना, गले में दर्द होना और फेफड़े पर इन्फेक्शन आम बीमारी का लक्षण होता है। लेकिन कोरोना वायरस से इंसान को थकान होता है, सरदर्द, बुखार, नाक बहना, जिससे इंसान को मालूम नहीं होता है कि ये आम बीमारी है या कोरोना वायरस। माना ये जा रहा है कि ये वायरस चाइना के वुहान सिटी से एक सी फूड मार्केट से स्प्रेड हुआ था। कुछ कोरोना वायरस बहुत घातक होते हैं। 2012 में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से सऊदी अरबिया, अफ्रीका, एशिया और यूरोप में 800 से ज़्यादा लोगों का मौत हो चुका था और 2003 में लगभग 800 से ज़्यादा लोग सर्स वायरस से मारा गया था। ये दोनों वायरस कोरोना वायरस के सूची में ही आते हैं। भारत ने अपने 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थर्मल इमेज स्कैनर इंस्टॉल किया है और जहां पर चाइना से आने वाले लोगों का बारीकी से स्कैन किया जाता है ताकि ये कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में ना फैल पाए। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत में 9000 से भी ज़्यादा पैसेंजरों का चेकअप हुआ है जो बाहर से आते हैं, लेकिन कोरोना वायरस का ऐसा रिपोर्ट कहीं भी नहीं आया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने चाइना से आने वाले अपने यात्रियों को ऐसे लक्षण होने पर अपने नज़दीकी मेडिकल पर रिपोर्ट करने के लिए कहा है। अगर इस वायरस को WHO ने चाइना पर महामारी के रूप में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया तो चाइना और हांगकांग के इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।